हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। अभी देखिए नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों में आप व्रत की चीजों का ही सेवन करते हैं, तो उसमें आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या अच्छा बना सकते हैं, तो वो मैं आज आप लोगों को एक आटा बनाना सिखा रही हूँ कि आप किस तरह से घर पर आटा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो जो हम व्रत में चीजें खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा शुद्ध नारियल होता है और केला होता है। जो हम कोई भी व्रत हो या फिर कोई भी त्योहार हो तो घर में केला जरूर आता है, पूजा में रखा जाता है, जो प्रसाद के रूप में सब लोगों को दिया भी जाता है, है ना। सभी लोगों के घर आता है, सभी लोगों को पता होगा वो क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों फल ही सबसे ज्यादा शुद्ध माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि कोई भी फल आप खाते हो तो उसका बीज कहीं डाल दो तो उससे क्या होगा, वहीं पर उसका पौधा उग जाएगा। लेकिन केला एक ऐसा फल है जिसका आप पौधा लगाओगे तभी वो उगेगा। आप केले को ऐसे कहीं डाल दो, कहीं भी आपने देखा होगा ऐसे केला नहीं उग जाता। जहां पर उसकी प्योत बोलते हैं, उसको छोटा सा पौधा होता है केले का, उसको लगाया जाता है। नारियल का भी सेम होता है कि उसकी भी प्योत लगती है, तब उन दोनों के ऊपर फल आते हैं जिनका हम सेवन करते हैं। तो आज हम केले से आटा बनाने वाले हैं। आप सही सुन रहे हैं, केले का आटा। तो उसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले। तो चलिए देखिए किस तरह से हम इस आटे को घर पर तैयार कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल शुद्ध होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। बाजार से आप कुट्टू का आटा लाते हैं, उसमें भी कई बार मिलावट होती है। न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है नवरात्रों में कि लोगों की तबीयत खराब हो, किसी को लूज मोशन लग गए, तो ये वाले आटे का आप सेवन करोगे तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये आपने घर पर खुद से तैयार किया है और बहुत ही इजी है इसको तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर केले का आटा तैयार करने के लिए हमें चाहिए कच्चे केले। यहाँ पर हम कच्चे केले ले लेंगे और उनको काटने से पहले ही धो लेंगे अच्छे से। धोकर उनकी जो उनके ऊपर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी होती है तो वो सारी हट जाए, क्योंकि हम छीलने के बाद केले को नहीं धो सकते तो उससे आटा खराब होने का डर रहेगा। तो सबसे पहले केले को काटकर ये डंडे से अलग कर लेंगे। उसके बाद इनको हम छीलना स्टार्ट करेंगे। केले को छीलते टाइम ध्यान रखें कि जिस टाइम आप केले को छील रहे हो उसका छिलका थोड़ा मोटा ही आपने निकालना है, नहीं तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन जो लाइन आएगी वो बाद में भी टाइट ही रह जाएगी, तो उतना नहीं लेना। यहाँ पर देखिए मोटे मोटे छिलके ही हमने उतार देने हैं। और इन सारे केलों को छिलका एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। केले के आटे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे आप नवरात्रों में 9 दिन तक कुट्टू का आटा खाते हैं, उसी तरह से जब आप इस आटे को खाएंगे तो आपके पेट में गर्मी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये आटा ठंडा रहेगा। तो और आटा बनाते टाइम आपने एक ध्यान और रखना है कि आप किसके लिए थोड़े भी पके हुए केले नहीं लेंगे। अगर आप पके हुए केले लेंगे तो उससे आपका आटा जो होगा वो मीठा सा हो जाएगा, तो मीठा नहीं होना चाहिए। आप जब बिल्कुल कच्चे केले लेंगे, क्योंकि कच्चे केले भी दो तरह के आते हैं, सब्जी वाले आते हैं और एक खाने वाला केला होता है कच्चा, तो आप सब्जी वाला लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये केला जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी सब्जी वाला ही केला मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए पतले पतले इसके हमने चिप्स चाकू से ही काट लिए हैं, फटाफट कट जाते हैं। और इनको आपने कॉटन के कपड़े के ऊपर ही सुखाना है। आप ज़मीन पर कॉटन का कपड़ा डालिए और उसके ऊपर इनको फैला दीजिए। एक दिन की धूप में ही आपके सूखकर चिप्स तैयार हो जाएंगे। तो इसको जब ये सूख जाए बिल्कुल ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कि आलू के चिप्स में से आवाज़ आती है। और देखिए टूट भी कितना इजी से रहा है, ये कितने टुकड़े हो जा रहे हैं एक बार ही तोड़ने में। तो अब हमने इसको पीसना है। तो इसको पीसना कैसे है, हम ये केले के टुकड़ों को जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। अगर आप मोटे देखिए केले काटते हैं तो आपका केले के जो टुकड़े हैं वो 2 दिन लेंगे सूखने में, नहीं तो 1 दिन में ही सूख जाएंगे पतले पतले पीस काटेंगे तो। तो ये देखिए बात करते करते फटाफट से हमारा आटा भी तैयार हो गया है। मिक्सी में इसी तरीके से सारे केले के टुकड़ों को हम पीस लेंगे और ये बहुत ही बारीक आटा तैयार हो गया है, छान कर तैयार हो गया है। और आप एक कंटेनर में, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके रख लेंगे। तो जैसे कि आप ज़्यादा आटा बना लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप नेक्स्ट वाला जो सेशन आएगा नवरात्रों का तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने आप इस आटे को
रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ आपने करना क्या है, एयर टाइट कंटेनर में इस आटे को रखना है और उस कंटेनर को उठा के आपने फ्रिज में रख देना है, तो ये आटा आपका खराब नहीं होगा। जैसे कि आटा उतर भी जाता है तो वो भी नहीं होगा। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप अभी नवरात्र शुरू होने में कई दिन हैं, तो आप ये आटा अभी तैयार भी कर सकते हैं और व्रत में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस लोगों को पता था कि कौन कौन से फल सबसे शुद्ध होते हैं, और किनको नहीं पता था वो भी कमेंट कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहा होगा। इसी तरह से आप लोग मेरे काम को पसंद करते रहें, मैं इसी तरह से आप लोगों को अच्छा अच्छा काम दिखाती रहूं और कुछ अच्छे अच्छे खाने की चीजें भी अब आप लोगों के लिए लाऊंगी व्रत में। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आप लोग अगर ये वाला आटा तैयार करते हैं तो मेरे को जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।